सो गाइस, बीटरूट लिप बम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बीटरूट यानी चुकंदर। उसके बाद हम इसको पील ऑफ कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। इसको मैंने ऐसे पील ऑफ कर लिया है, इसको अब मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। सो गाइस, मैंने इसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसका जूस निकाल के अलग कर लूँगी। सो गाइज, इस छन्नी की हेल्प से मैं इसके जूस को अलग कर लूँगी अच्छी तरह से। सो गाइज, आप देख सकते हो इसमें जूस अलग हो रहे हैं। इसको मैं अच्छी तरह से और अच्छे से जूस सारे अलग कर लूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हो ये जूस पूरी तरह से निकल के रेडी हो चुके हैं। सो अब मैं इस बॉल में वैसलीन को निकाल के अलग कर लूँगी, आप देख सकते हो। ये मैंने वैसलीन लिया, अब इस वैसलीन में मैं जो बीटरूट का जूस मैंने निकाला था उसको मिक्स करूंगी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करूंगी अच्छे से। ये इस तरह से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगी। मेल्ट करने के लिए मैं लूंगी थोड़े से कटोरी में थोड़ा हल्का गर्म पानी, और इसके ऊपर मैं इस कटोरी को रख दूंगी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है और धीरे धीरे इसको फिर मिक्स करना है। तो आप ये देख सकते हो ये अच्छी तरह से अब मेल्ट हो चुका है। इसको मैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सो गाइज, अब आप देख सकते हो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। सो गाइज, मेरे पास ये वैसलीन की डिब्बी है, इसमें ही मैं इसको अच्छे से स्टोर करके रख लेती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से इसमें स्टोर कर लिया है। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और ईजी टू अप्लाई हो। सो इसको मैं अभी फ्रिज में जाके रख देती हूँ। सो गाइज, फ्रिज से निकालने के बाद आप इसको इजिली अपने लिप पे अप्लाई कर सकते हो और इसको स्टोर करके रख सकते हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव्स अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच नेचुरल रेमेडीज फ्रॉम मी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।